बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करूंगा, क्या किडनी पेशेंट दूध पी सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी तरह के एनिमल प्रोटीन को लेने के लिए मना किया जाता है किडनी पेशेंट्स को एलोपैथ के अंदर। आयुर्वेद में भी इसकी मनाही है, लेकिन बीके आरोग्यम के अंतर्गत अपने मेडिसिन और डाइट के साथ हम दूध रेकमेंड करते हैं। दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सबसे पहली बात दूध आपको लेना है सिर्फ गाय का, और वो गाय देसी गाय होनी चाहिए, कई बुफेलो मिल्क या कोई और मिल्क आपको प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, दूध शुद्ध होना चाहिए। आज के डेट में 70% दूध मिलावटी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मिलावटी या केमिकलाइज दूध ना हो। कई बार इंजेक्शंस लगाते हैं ऑक्सीटोसिन के, वो इंजेक्शन लगा हुआ दूध ना हो, यानी कि प्योर दूध हो जिसको आप सामने दुबा के लें, वही दूध अच्छा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी मात्रा लगभग 200 ml से 250 ml हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है और आप कितना ले सकते हैं। और चौथी बात, मात्रा का ध्यान रखें। अगर आपको 1 लीटर पानी बोला गया है और आप 200 ml दूध ले रहे हैं, तो आपको 800 ml पानी ही लेना है, यानी लिक्विड की मात्रा को मेजर करते हुए दूध उस मात्रा के हिसाब से लेना है। इन बातों का ध्यान में रखते आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दूध का सेवन तभी करें जब आप ऐसी कोई थेरेपी या सिस्टम ले रहे हैं जिससे आपकी किडनी रिजनरेट हो रही है, क्योंकि अगर आप इसके बिना दूध का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी की दिक्कत बढ़ सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।